सरकार कई उत्पादों पर जीएसटी घटा सकती है। जी बिजनेस को एक्सक्लूसिव जानकारी मिली है कि कल से शुरू होने वाली जीएसटी काउंसिल की फिटमेंट कमेटी की बैठक शुरू हो रही है और इस बैठक में कई उत्पादों को 28% के स्लैब से हटाकर 18% के स्लैब में डालने का प्रस्ताव तैयार हो सकता है। इस प्रस्ताव को 21 जुलाई को होने वाली जीएसटी काउंसिल की बैठक में रखा जा सकता है। प्रकाश प्रदर्शी मेरे साथ मेरे सहयोगी ज्यादा अपडेट के जुड़ गए। प्रकाश, सबसे पहले तो जो कल ये फिटमेंट कमेटी की बैठक होने वाली है, इसका एजेंडा क्या होगा और साथ ही साथ किन प्रोडक्ट्स को लेकर चर्चा होगी? जो बात कही जा रही है कि कुछ प्रोडक्ट्स को घटाकर कम कैटेगरी वाले जीएसटी में डाल दिया जाएगा, कौन से होंगे वो प्रोडक्ट अगर कोई जानकारी हो तो? देखिए, फिटमेंट कमेटी की बैठक है जिसका मुख्य जो काम है वो ये है कि कौन कौन जीएसटी टैक्स स्लैब में किस तरह के रेगुलेशन की ज़रूरत है वो इवेल्युएशन के आधार पे इसको तय करती है। उसके बाद उन प्रोडक्ट्स की जो लिस्ट है जीएसटी काउंसिल को भेजी जाती है, उसके बाद काउंसिल का निर्णय जो होता है वो अंतिम निर्णय होता है। उसकी बैठक कल से शुरू होगी, 2 दिनों की बैठक है और इसमें 21 जुलाई को जो जीएसटी काउंसिल की बैठक है उसके लिए जो प्रोडक्ट जीएसटी के जो रेट्स हैं उसके रेगुलेशन के प्रोसेस को तय किया जाएगा कि कौन कौन से प्रोडक्ट्स को किस किस स्लैब में डाला जाए या फिर कुछ प्रोडक्ट्स को 28% के स्लैब से नीचे लाया जाए। जैसा कि हमें सोर्सेज के हवाले से जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक कई ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिनको 28% स्लैब से 18% के स्लैब में लाया जा सकता है, चाहे वो सीमेंट हो या फिर पेंट हो या फिर डिजिटल कैमरे के रेट्स में कमी आ सकती है, जो सिनेमा टिकट्स हैं उनके रेट्स में कमी आ सकती है, यानी 18% स्लैब में डाला जा सकता है। इस पे जो है आम कंज्यूमर को बेनिफिट मिल सकता है, लेकिन क्योंकि सोर्सेस ये भी बता रहे हैं साथ में कि अब 28% स्लैब में सिर्फ 49 प्रोडक्ट्स रह गए हैं और रेवेन्यू का एक मेजर पार्ट इनसे आ रहा है, लिहाजा इस वक्त ज़्यादा प्रोडक्ट्स को एक साथ 28% स्लैब से नीचे लाना संभव नहीं है, लेकिन हाँ कुछ प्रोडक्ट्स हैं जिनको कि 28% स्लैब से नीचे लाया जा सकता है। अब क्योंकि कल से बैठक हो रही है और उसके बाद इन सिफारिशों को जो रिकमेंडेशंस होंगे वो 21 जुलाई को जीएसटी काउंसिल के सामने पेश किया जाएगा और उसके बाद ये पता चलेगा कौन कौन से प्रोडक्ट्स पे रेट्स जो है कम किए।